हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरिंग श्रेया। मैंने अभी तक वियतनाम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डू चेक दैट। एंड वियतनाम सीरीज कंप्लीट करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना एक लास्ट वीडियो बनाया जाए रिगार्डिंग हाउ टू अप्लाई फॉर वियतनाम वीसा। एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे घर बैठ के विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी एजेंसी आप खुद ही वियतनाम का वीसा अप्लाई कर सकते हो। यस, इट्स दैट सिंपल एंड दैट ईजी। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओ। If you have watched our previous videos, then आपको अभी तक एक आइडिया मिल गया होगा रिगार्डिंग द रियलिस्टिक बजट ऑफ वियतनाम, फिर कम्प्लीट ट्रैवल आइटनरी गाइड, कितने दिन के लिए वहाँ पे जाना चाहिए, फूड क्या है, अकोमोडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। एंड ये लास्ट वीडियो है जो वीसा के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू अप्लाई। आई प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जस्ट क्लिक ऑन दैट, यू विल बी एबल टू डाउनलोड आवर ओन वियतनाम आइटनरी। उस हिसाब से आप अपना आइटनरी बना सकते हो, और भी बहुत सारे जगहों के आइटनरी हम लोग वहाँ पे दिए हैं। सो इट्स अप टू यू, आप कौन से जगह पे जाना चाहते हो उस हिसाब से आप अपना आइटनरी मोल्ड कर सकते हो। फर्स्ट लेट मी टेल यू, वियतनाम वीसा इज एन ऑनलाइन ई वीसा, एंड वियतनाम वीसा इज ऑफ थ्री टाइप्स, टूरिस्ट वीसा, बिजनेस वीसा एंड रिलेटिव विजिट वीसा। These three types of visas you can apply through online mode. And suppose मान लेते हैं कि आप tourist visa पे जाने वाले हो। Actually मैं ये पूरा video tourist visa के ऊपर ही बनाने वाली हूँ। Regarding the length of the stay, एक होता है single entry visa और दूसरी होती है multiple entry visa। Single entry में भी 30 days का stay होता है and 90 days का stay होता है। Multiple entry में भी either you want to stay for 30 days or 90 days, it's up to you। अब उस हिसाब से आप apply कर सकते हो। So single entry और multiple entry में दोनों में 30 डेज का भी स्टे है एंड 90 डेज का भी स्टे है। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर वियतनाम ई वीसा। नंबर वन, यू शुड हैव अ वैलिड इंडियन पासपोर्ट एंड विद 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। ऑल्सो आपके पासपोर्ट में दो पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। नंबर टू, सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट फ्रंट पेज एंड लास्ट पेज। नंबर थ्री, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है फॉर वियतनाम उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे फॉर पासपोर्ट साइज फोटो इट शुड बी 4x6 सेंटीमीटर इन साइज एंड विद वाइट बैकग्राउंड, विद ईयर्स शुड बी विजिबल एंड योर फोटो ऑल्सो शुड बी विजिबल। एंड नंबर फोर, यू शुड हैव अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड जहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो दीज आर ऑल द सिंपल रिक्वायरमेंट्स फॉर वियतनाम ई वीज़ा। एंड लेट मी टेल यू, कीप दैट इन माइंड कि जब आप अपलोड कर रहे हो फोटोज़ इन देयर साइट, इट शुड बी इन JPEG फॉर्मेट एंड द फोटोज शुड बी रियली क्लियर एंड विजिबल। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस। फॉर सिंगल एंट्री वीज़ा इट्स $25 एंड फॉर मल्टीपल एंट्री वीज़ा इट्स $50। सो दीज आर ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर वियतनाम ई वीज़ा। अब हम लोग देखते हैं कि घर बैठे कैसे ईजी वे में हम लोग वियतनाम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ओपन द गूगल एंड टाइप वियतनाम ई वीज़ा, देन यू विल गेट द फर्स्ट लिंक। रिमेंबर दिस लिंक गाइज, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, वियतनाम ई वीज़ा पोर्टल। This link is also given in the description box. Once you click on this, a screen like this will appear. Then click on for foreigners. It will explain you the fulfillment requirement information and what is a passport size photograph and the passport that has to be uploaded along with the specimen's name. And the step 2 would be to pay the visa fees, which is $25. So you can enable international transactions on your debit card and credit cards and pay the $25. And the third step is to enter the registration code, which you will receive via email. Once you receive the email, you can go to the e-visa search menu and you can see whether your visa is approved or rejected. Click on confirmation and click on next. It's gonna ask you some personal information like inviting guaranteed agencies and under 14 years declarations and some requisite informations. Guys, no need to book flights and hotels in advance. You can book pay later option for flights and hotels to enter over here and you can proceed with the application. So here they have just asked for the photo. So I am just uploading a random photograph and a random passport. So this person's name is Specimen Martin. I am entering this personal information and dragging down, and I'm going to fill the same thing over here. Date of birth, I'm going to give whatever is written here. One by one, now step by step, fill up the required information. Mention the name of the hotel that you are gonna stay. Write the date of entry and purpose of information.
Write the city of entry if it's Hanoi or Ho Chi Minh City, whatever. Guys, you will get a visa for 30 days. After completing, review it once more so that nothing is missed out. Then select I assure and confirm. Then you will see registration is successfully completed and click on OK. Now check all the details, as it's a dummy form I have taken just to show you as example. After that, select the payment. The amount is $25. Then select your pay e-visa fees. You will get a notification which says agree and continue. Once you are done with this, you will get a visa soft copy and you need to carry that to the airport. It will be checked at the ticket counter and your visa will be approved. Guys, it's a 30 days single entry visa and not a multiple entry visa. So, यही था हम लोगों का basic requirements, a simple step by step guide. And I hope कि आपने अभी तक video देखा होगा तो आपको सारा process पता ही चल गया होगा. It's really very simple, isn't it? तो आप घर बैठे ही बिना किसी के मदद के आप खुद ही apply कर सकते हो and you will get it within 3 to 4 working days. But I suggest कि आप थोड़ा 15 days पहले ही अपना Vietnam visa के लिए apply करो, क्योंकि कुछ cases में ये कभी कभी थोड़ा late हो जाता है. So, don't worry about that. Visa आपको मिल जाएगी, बट यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स प्रिसाइसली. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. कुछ भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज हमें कमेंट्स में बताना. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.